देखो यार, आजकल हैकिंग वैकिंग बहुत चल रही है, ठीक है। स्नैपचैट को हैक होने से कैसे बचा सकते हो, सिंपल सी सेटिंग है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपने कर रखी हो तो वेरी गुड है, नहीं कर रखी हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपका छोटा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है स्नैपचैट पर, ठीक है, नया स्टार्ट कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर 30-40% लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट हैक करेगा तो आपको पता लग जाएगा और आपका अकाउंट हैक होने से बच जाएगा, ठीक है। तो आजकल AI भी बहुत चल रहा है, हैकिंग वैकिंग चल रही है। डायरेक्ट चलते हैं स्नैपचैट के अंदर, आपको बताता हूँ कैसे सेव कर सकते हो अपने स्नैपचैट अकाउंट को। अगर बार बार लॉग आउट लॉग इन भी होता है या बहुत सारी चीज़ें होती है यार, आपको वो सेटिंग जरूर ऑन करनी है, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट स्नैपचैट के अंदर। स्नैपचैट में आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना। देखो, सेटिंग में जाना है सबसे पहले अकाउंट सेव करने के लिए। सेटिंग में जैसे जाओगे, ये वाला ऑप्शन आता है फर्स्ट पे, नेम, यूज़र नेम। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी पक्का कंफर्म होने चाहिए, मतलब यहाँ पे रेड कलर का नहीं आना चाहिए, ये ब्लैक कलर का आना चाहिए, मैंने ब्लर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑथराइजेशन, ठीक है, टू फैक्टर ऑथराइजेशन, इस पर क्लिक होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है SMS वेरिफिकेशन, अगर मेरे कोई अकाउंट हैक वैक करता है या कोशिश करता है तो यहाँ पे मेरे पास OTP आएगा, मेरे नंबर पे, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ये आपका जरूर आपको वेरीफाई करना है, 110% ये आपका जरूर वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका टिक लगा होना चाहिए, जैसे SMS वेरिफिकेशन पे टिक होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अगर अपना अकाउंट बचाना चाहते हो। और अगर आपका बार बार लॉग आउट हो रहा है, मान लीजिए बार बार अपना अकाउंट लॉग आउट हो जाता है कई बार अपने आप, ठीक है, तो आपको अपना यूज़र नेम सॉरी पासवर्ड चेंज करना है तभी के तभी, ठीक है। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, कोई ईजी नहीं रखना। तो मेन चीज़ है ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन, इससे आपके मोबाइल पे डायरेक्ट OTP आएगा अगर आपका अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश करेगा। तो गाइज, ये टू फैक्टर ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये हमेशा ऑन करके रखनी है। जब भी कोई या हैकिंग वैकिंग होगी तो आपके नंबर पे OTP आएगा, उसके बिना वो अकाउंट मतलब लॉग इन नहीं कर पाएगा कहीं भी, ठीक है। तो आपको ये प्लीज़ इसको ऑन कर लीजिएगा, टू फैक्टर ऑथराइजेशन।